खबरों में आगे बढ़ते और बात रामपुर की कर लेते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर टीम ने डाला है डेरा। टैक्स की हेराफेरी पता लगाने में जुटे हैं अफसर। 740 करोड़ के टैक्स हेराफेरी की जांच यूनिवर्सिटी के खर्च धन का आकलन कर रही है आयकर टीम। 800 करोड़ के खर्च को 60 करोड़ दिखाने का शक भी है। और देखिए, आपको बता दें कि पहली छापेमारी में कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव समेत दस्तावेज जब्त किए गए थे जब इससे पहले छापेमारी की गई थी। 740 करोड़ के टैक्स की जांच लगातार हो रही है। यूनिवर्सिटी के खर्च धन का आकलन भी आयकर टीम लगातार कर रही है। 800 करोड़ के खर्च को 60 करोड़ दिखाने का आयकर विभाग की टीम को शक है, जिसे लेकर के लगातार छापेमारी हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फहीम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार आयकर विभाग की जो टीम है वो सक्रिय नजर आ रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और जब पहले दस्तावेज खंगाले गए थे तो उनमें भी तमाम तरीके की बातें निकल करके सामने आई थी। जी बिल्कुल आंचल, मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग की टीम ने जिस तरह से आजम खान के घर पर 3 दिन रेड की थी, 60 घंटे वो रेड चली थी, उस रेड में जिस तरह से उन्होंने तथ्य जुटाए थे, जो जौहर यूनिवर्सिटी के लेन देन को लेकर जो उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वो उन्होंने जुटाए थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को उन्होंने छाना था, और जो जौहर यूनिवर्सिटी के मेम्बरान थे, जो उसकी कमेटी में शामिल थे, उन लोगों के घर पे भी रेड डाली थी, और वहां से ही पता लगा था कि जो लेन देन है जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो इसी को लेकर ये जो टीम है CPWD की टीम है कानपुर की, इसमें एक आयकर विभाग के अधिकारी भी हैं मुरादाबाद के, वो शामिल हैं, और उन्होंने जो है जो 800 करोड़ रुपए का जो मूल्यांकन निकाला था उस वक्त जो बुलाए गए थे मूल्यांकन करने वाले बिल्डिंगों की, तो अब इस जो सरकारी कंपनी है ये उस सरकारी कंपनी के हिसाब से जो है वो मूल्यांकन होगा। मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं आंचल के जो इन्होंने 60 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंगें बताई थी कि ये जो बिल्डिंग है जौहर यूनिवर्सिटी में ये 60 करोड़ रुपए की है, लेकिन जो मूल्यांकन करने के लिए टीम बुलाई थी उसका आंकलन ये था कि ये 400-500 करोड़ रुपए की है, लेकिन जो सरकारी कंपनी है, जो सरकारी अधिकारी है CPWD के, उनका ये मानना और कहना है कि ये 800 करोड़ रुपए की जो है बिल्डिंग हो सकती है, तो दर्शाया गया है 60 करोड़ रुपए। बिल्कुल फाइन, और इसी शक के आधार पर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।